हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जी हाँ, आज मैं हूँ अपने ससुराल में, भागलपुर के एक गांव में जिसका नाम है घोगा, और मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। तो आज हो रही है मेरे घर में पिकनिक छत पे, तो मैं आपको उसका व्यू दिखाती हूँ, और मैं अपना गांव भी दिखाती हूँ, और मैं अपना घर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बन रहा है मटन देसी स्टाइल में, चूल्हे के रूप में। जो मेरी फरमाइश थी कि मुझे चूल्हा का पका हुआ मटन खाना है, क्योंकि मुझे वहाँ मिलता नहीं है, तो उसका भी इंतज़ाम किया गया। और ये मेरी देवरानी है, ये देवरानी बना रही है। दोस्तों, ऊपर में आपने देखा नॉनवेज बन रहा है, और यहाँ पे वेज बन रहा है, जो वेजिटेरियंस है। और बना रही है मेरी ये मजली देवर में बोल दी। इधर हाई भी बोलते पूजा, वो उसकी थर्ड नंबर वाली जो मटन बना रही थी, ये वेज बना रही है जो सेकंड नंबर में है। और मैं फर्स्ट में हूँ मैं भी। और यहाँ पे पापा के लिए भी खाना बन रहा है। ये है किचन हमारा, ये नया घर है, और नया घर हमारे ससुर जी ने बना के हमें गिफ्ट किया है, मैंने सारे बच्चे को, कि एक घर तो बनता ही है सब बच्चों के लिए। तो ये किचन है, और हम लोग चार भाई हैं, तो चारों भाई के लिए अलग अलग किचन बना के दिए। ये भी, ये मेरा किचन है, मेरी फ्रिज है, और ये हॉल घर है। हॉल घर कॉमन है सबके लिए, और इस तरह का लुक्स बनाया हुआ है। मम्मी बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक गेस्ट के लिए वॉशरूम भी है, और ये है जो छत पे जाता है, और ये वाली मेरी बाद वाली देवरानी का रूम है, ये इसका रूम है, एंड अटैच बाथरूम भी है। सेम ये ऐसे ही डिजाइन का मेरा भी कमरा है, ये मेरा कमरा है। तो हेलो दोस्तों, ये था मेरे घर का ब्लॉग एंड वीडियोस जो मैंने आपको दिखाया। ये ससुराल में है, ये सब मेरी देवरानी है। बहुत ही अच्छा लगा ये 3 दिन मेरा, कैसे कटा, बच्चों का कैसा कटा पता ही नहीं चला। मैं फिर आऊँगी, आना ही है, घर है। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ये वीडियो देख के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।